बिल्कुल ठीक है शहजाद सर, दोनों ही टीम ने एक एक मुकाबला जीता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस फॉर योर लाइफ। राइट आर्म राउंड द विकेट और ये प्लेड ऑन हुए, गेंद बल्ले से सीधा स्टंप से जाके टकराई और इसी के साथ पहला करारा झटका मिला। श्लोक 11 वडवली को उत्तर शिव के गेंदबाज जीवन द्वारा, जीवन चौधरी द्वारा। कर सकता हूं राइट अप राउंड द विकेट बाय हाथ के इस बल्लेबाज के लिए जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। कमलेश ने मैन ऑफ द मैच बने थे, क्या खूबसूरत छक्के दागे थे, बाउंड्रीज दागी थी, काफी बढ़िया इनिंग खेली थी। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लगी तो छगी वाली बात हुई, ना गेंद बल्ले पर आई ना छगी लगी, वहीं पर रुका हुआ, टोटल 0 रन एक विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की है जीवन चौधरी ने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा बहुत बढ़िया रखा है इन्होंने। नियंत्रित गेंदबाजी होनी चाहिए, अशरफ जलगांवकर ने जिस तरह से नियंत्रित गेंदबाजी की थी जेडीएम बेलेवली के सामने, हालांकि यह भी अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइनलिक क्षेत्र पर गेंद गई, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है सिंगल के साथ। कमलेश ने एक गेंद एक रन एक विकेट के नुकसान पर, हालांकि सोवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है चार, और आपने ठीक कहा लाइन और लेंथ गेंदबाजी में होनी चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए। जिस तरह हमेशा अगर 90 के दशक में हम देखेंगे तो ग्लेन मगराथ जिनकी गेंदबाजी का लोहा मनवाया जाता था, इसलिए मनवाया जाता था कि बल्लेबाजों को वो गलती करने पर मजबूर कर देते थे, ऐसा नहीं है कि विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास एक नियंत्रित गेंदबाजी थी, पेशेंस थे, जो पेशेंस गेंदबाज के पास होना जरूरी है। कोई बड़ा खिलाड़ी सामने हो तो उसकी विकेट निकालने की कोशिश के बजाय उस खिलाड़ी को गलती करने पर मजबूर करना, ये ग्लेन मगराथ की धारणा थी। आपने भी उनका क्रिकेट देखा होगा, वैसी ही गेंदबाजी हो रही है आउटसाइड ऑफ सम। टेनिस बॉल क्रिकेट में क्या चाहिए, चार ओवर के मैच में कभी कभार ही मुश्किल आपको ऑल आउट करने का मौका मिलता है, तो गेंदबाज की धारणा यही होती है कि मैं डॉट गेंदें ज़्यादा डालूं, चौवे और छक्के खाने से बचूं, एक अच्छा ओवर जो औसतन अच्छा हो, इकोनॉमिकल औसतन, और वो अच्छा ओवर अगर आता है तो काफ़ी गहरी गेंदबाजी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिलानी पटेल जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उनका नाम मेरे जुबानी आज सुबह से आया नहीं था। ये गेंद बाउंड्री के बाहर, जावेद फरीद सर का इशारा और ये चार रन संजीवनी बूटी का काम करेंगे, एक नई प्रेरणा एक नई ऊर्जा इस बल्लेबाजी करने वाली टीम वडवली को मिलेगी। चौबे के साथ टीम का टोटल एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 6 रन एक विकेट के नुकसान पर, 54 धागा बल्लेबाज कमलेश पाटिल ने। तो शहजाद सर, चार ओवर का ये मुकाबला मैंडेटरी पावर प्ले अब हट चुका है, फील्ड अब खुली हुई है, शुरुआती ओवर जो आया था चार गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा चार ओवर में, हालांकि समझबूझ भरा खेल हुआ है, एक विकेट जाने के बाद मैच 6 रन आए। क्या इस शुरुआत से वडवली के कप्तान खुश होंगे, श्लोक 11 वडवली जो पहले बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल, जो 4 रन आए हैं प्रवीण सर, वो 4 रन कैसे आइए ये देखने वाली बात है।
फील्डिंग अगर सही तरीके से करते तो शायद बात बन जाती, गेंद पैरों पे जा टकराई थी। फुटबॉल क्रिकेट के साथ फुटबॉल का मिश्रण देखने मिला, ये चार रन जरूर मिले हैं, लेकिन ये चार रन जिस तरीके से आपने कहा संजीवनी बूटी, बिल्कुल आपने सही बात कही। इस वक्त वो चार रन तो यही कही जाएंगे कि रेगिस्तान में बारिश का काम करते हुए ये चार रन एक अच्छा स्टार्ट करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा कि ये अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि गेंदबाजी लाजवाब रही, बेहतरीन रही, लाइन और लेंथ पे रही। अब देखने वाली बात ये है उसी तरीके का टप्पा क्या ये गेंदबाज पकड़ेंगे। लेकिन ये देखिए पहले ओवर में समझ बूझ भरा क्रिकेट और दूसरे ओवर में जाना परखा कि अब आक्रमण करना जरूरी है। फ्रंट फुट पर आया, ऑन द राइज, सीधा खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से छह रन। इसे कहते हैं क्रिकेट की खूबसूरती, इसे कहते हैं क्रिकेट की गुणवत्ता और इसे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत जो भरपूर नजर आई स्ट्रोक में इस बल्लेबाज ऋतिक पाटिल द्वारा। और वडवली को ये छक्का जरूरी था, मैंने पहले कहा था वो जो बाउंड्री आई थी वो संजीवनी का काम करेगी। छः के बाद पहले ओवर में छः रन थे और ये जो छक्का आया उस वजह से 12 बने और यहाँ से अब इनिंग की गाड़ी को खींचने की कोशिश की जा रही है कमलेश और उनके साथ ही ऋतिक द्वारा। ऋतिक ने एक बेहतरीन छक्का दागा 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार अंपायर की उंगली उठी हेमंत कोहली के जो ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्ताने में गई। ये दूसरे विकेट का पतन हो चुका है शहजाद सर और दो विकेटों के बाद 12 रन। शुरुआत तो मैं कहूंगा अच्छी हुई, 8 गेंदों में 12 रन। इस ग्राउंड के जो सामने वाले छक्के हैं वो काफ़ी लंबे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा लंबे नहीं है, लेकिन इस गेंद के हिसाब से थोड़ा लंबा ज़रूर नज़र आएगा। गेंदबाजों की यही धारणा होनी चाहिए जितना सीधा खेलने देंगे वो क्रॉस बैटेड शॉट के बजाय जितना सीधा खेलने के लिए बल्लेबाजों को मजबूर करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस वक्त यही कहा जा सकता है कि बाहर जाती गेंद को छेड़ने का प्रयास किया, बैट का अंदरूनी किनारा लगा, विकेट का पतंग हुआ, इस जख्म से उभरने में कितना समय लेंगे, लेकिन गेंदबाज ने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि एक तुम्हारी तो एक हमारी, इस तरीके की रणनीति यहाँ पर गेंदबाज ने बनाई है। पहली गेंद काफ़ी ख़राब रही, पहली गेंद पर 6 रन आए, लेकिन दूसरी गेंद पर इन्होंने जो सवाल किया था वो लाजवाब रहा। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप वाइड स्मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, क्या बात है, लाजवाब सिक्सर टाइमिंग। तो 6 रन आ चुके, आपने एक बिल्कुल बात सही कही, गेंदबाज ने कहा एक तुम्हारी तो एक हमारी, और क्रिकेट में ये कहा भी जाता है गेंद और बल्ला अगर आपस में इश्क लड़ाए तो उस क्रिकेट को मजा नहीं आता देखने में। इनके बीच राइवल यानी कि एक दूसरे के ऊपर वार और पलटवार करने की ताकत होती है, तब जाके इस खेल में देखने का भी मजा आता है और इस खेल खेलने में भी मजा आता है। श्लोक 11 वड़ौली, हालांकि एक रन तो जरूर पूरा किया इस छोड़े हुए कैच की वजह से, दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला बल्लेबाज विकास पाटिल को जिन्होंने इस पहली वाली गेंद के ऊपर, और मैंने ये एक बात जरूर कही थी जितना सीधा खेलने के लिए मजबूर करोगे बल्लेबाजों को उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी होगी। लेकिन जैसे ही फुलटॉस आया क्रॉस बैटेड शॉट देखिए आपने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर देखा, इस 2 रन से पहली वाली गेंद के ऊपर जो छक्का आया था बल्लेबाज विकास पाटिल द्वारा। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर तगड़ा प्रहार कहूंगा मैं, शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई गोली की रफ्तार से गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। टीम का टोटल इन 4 रनों से बढ़ता हुआ श्लोक वड़वली का 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल पूरा मौका दे दिया खुलकर खेलने का, जिस तरीके से जीवन दान मिला है आज के युग में, अगर आप किसी को जीवन दान देते हो तो वो अकेला आपकी जान नहीं, आपकी पूरी टीम की जान निकालने वाले ये बल्लेबाज, उनकी क्षमता है। आपने मौका दिया, कैच ड्रॉप हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये तो बिल्कुल जीवनदान जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिस बल्लेबाज को अगर मौत से पहले मौत आनी थी वो आई नहीं, और उसके बाद उनने सोचा एक बार तो मैं मर चुका हूँ तो क्यों ना दूसरी बार मरने की कोशिश की जाए मेरे द्वारा, सफल हुआ तो मेरी टीम सफल, और ये सफल होते हुए नजर आए। इससे पहली वाली गेंद के ऊपर बाउंड्री श्लोक 11 वड़वली की, ये बल्लेबाज मध्यक्रम में आके क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह एक मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज को खेलना जरूरी है उस तरह से इनकी बैटिंग हो रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को काफ़ी कम गेंदें खेलने का मौका मिलता है। अनुमन टेनिस बॉल की दुनिया में 50 ओवर के क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है सेट होने का उसके बाद मारने का, लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज को पहले से ही पेवेलियन से ही सेट होकर आना पड़ता है और हर एक गेंद के ऊपर प्रहार करना पड़ता है, और वैसा जैसी सिचुएशन वैसा खेल हो रहा है। श्लोक 11 वड़ौली के बल्लेबाज विकास पाटिल द्वारा टीम का टोटल 30 रन। देखिए पहले ओवर में महज 6 थे
और इस ओवर में आए 24, और इसीलिए मैं कहता हूँ, आप भी कहते हैं और सभी कमेंटेटर्स भी कहते हैं, क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते कभी देरी नहीं करता, और इस गिरगिट ने शहजाद सर अब रंग बदला है। श्लोक 11 वड़ौली के पक्ष में पहला गिरगिट जो रंग था, जो गेंदबाजी कर रही है उत्तर शिव के गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, महज दिए थे 6, और इस ओवर में हमने देखा 24 रन आए, इसी का नाम तो क्रिकेट है। और इसीलिए हम कहते हैं ना, एक अकेली गेंद, उसके पीछे 22 खिलाड़ी, और उन 22 खिलाड़ियों के पीछे दीवानगी की तरह चाहने वाली ये जनता, क्यों इस खेल को चाहती है, इसका जीता जागता उदाहरण, क्योंकि इस खेल का नाम है उलटफेर। फिर से एक बार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ ये गेंद डाली गई थी, लेग स्टंप के बाहर। जावेद फरीद साहब जमीन से हाथ समांतर हुए, खाना खाने के बाद पहली बार इस इनिंग में उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका मिला है। व्हाइट बॉल, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अनुमन बाएं के सामने, अगर बाया हो तो बल्लेबाज हावी जरूर होता है। इस गेंदबाज को काफी सोच विचार कर गेंदबाजी करनी होगी उत्तर शिव की तरफ से, जो तीसरा ओवर लेकर आए हैं निकेतन पाटिल। और इस बाएं हाथ के बल्लेबाज जो श्लोक 11 वड़ौली की तरफ से खेल रहे हैं, कमलेश, जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी पिछले मुकाबले के हीरो। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ। बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी जो हमेशा शुरू की थी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने हमारे गांगुली के खिलाफ, सौरभ दादा भारतीय टीम के कप्तान, उनके खिलाफ जो बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी का इस्तेमाल किया था, उस वजह से जो स्क्वेयर ड्राइव काफ़ी अच्छे थे, ऑफ साइड के ऊपर काफ़ी अच्छा खेलते थे सौरभ गांगुली, और उसका तोड़ निकाला था ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने, उसी तरह की ये गेंद हुई। टीम का टोटल 34 रन एक सिंगल के साथ, देख रहे हम एक सिंगल के साथ टीम का टोटल 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर यॉर्कर गेंद को खोद कर निकाला। आजकल ऐसी कोई भी गेंद नहीं है कि बल्लेबाजों के पास उसका तोड़ नहीं हो, लेकिन सही ढंग से खेला जाता है तो इस गेंद के ऊपर भी छक्के अनुमन कई बल्लेबाजों द्वारा लगाए जाते हैं, और खास तौर से ओंकार देसाई, इनका क्रिकेट अगर टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने देखे तो सबसे अच्छी तरीके से, और कृष्णा सातपुते इस यॉर्कर गेंद को हेलीकॉप्टर के जरिए सबसे अच्छे तरीके से खेलते हैं। बिल्कुल, हमारे टेनिस क्रिकेट में भी काफ़ी बड़े बड़े सितारे हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार पुल करने का प्रयास था, लेकिन पावरफुल नहीं, गेंद काफ़ी समय तक के हवा में रही, जब तक के गेंद को फील्ड करते डीप लॉन्ग ऑन से आकर खिलाड़ी 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। दूसरे ओवर की हम ज़रूर चर्चा करेंगे सर। दूसरे ओवर में 24 रन, जिस तरीके से आजकल हम टीवी चैनल ऑन करते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, दिल्ली में दुनिया भर के अत्याचार होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर मनोज पवार पर ज़रूर देखने मिले। 24 रन खर्च किए। इस बीच ये गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में। तो ठीक है, आपने जिस तरह से ये खेल हो रहा है, इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, क्या बात है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ओवा के बाद जिनके बदौलत हमें इनाम में आ चुका है हमारी कमेंट्री को, उन्होंने काफी सराहा, मैं बाबदा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ₹500 का बतौर कमेंटेटर मुझे इनाम दिया है। इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करती रहे ताकि हमें भी एक एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल श्लोक 11 वड़ौली एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है, टीम का टोटल 44 रन। चिंतपाड़ा संघा संघनायक हाल संघा संघनायक तो अजय भोईर इस टीम के पैकर हैं। श्लोक 11 वड़ौली के I-11 ओवर की प्रतियोगिता में भी काफी अच्छी टीम उन्होंने डाली थी श्लोक 11 के नाम से, वहां पर कामयाबी तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन ये हारने वालों में से इंसान नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं एक हार से ना तो इंसान फकीर होता है ना एक जीत से सिकंदर, क्यों ना कोशिश की जाए दोबारा। ये वड़ौली नहीं थी, रोहिंजण भी थी, श्लोक 11 नावा और श्लोक 11 रोहिंजण, ये दो टीम मैदान पर उतरी थी I-11 ओवी की प्रतियोगिता में। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं श्लोक 11 वड़ौली एक नई टीम
इस टीम को मौका दिया है अजय भोईर ने। फिलहाल अगर देखा जाए तो श्लोक 11 वड़वली खेल रही है, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 44 रन काफी ऐसा लगा था मुझे, 40 के ऊपर भी ये टीम नहीं जाएगी क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी पहले ओवर में जो 6 आए थे। चलिए गेंदबाज सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेकिन यहां पर हम प्रशंसा करेंगे यहां कमलेश पाटिल की, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, 1 रन आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं, दोनों ही टीमों में सितारे मौजूद हैं, दोनों ही टीमों के सितारों में से कौन सा सितारा दिन के वक्त चमकता है ये देखने वाली बात जरूर। बिल्कुल, बल्लेबाज अगर चमकते हैं तो वह रात के सितारे दिन को दिखाने की ताकत रखते हैं गेंदबाज को। शहजाद सर अगर देखा जाए तो काफी मजा आया आपके साथ बतौर कॉमेंट्रेटर भूमिका निभाते हुए, क्योंकि डिस्कशन आजकल मनवेल की कॉमेंट्री में हो नहीं रहा था और वो डिस्कशन आपके साथ करने का मौका मिला। ये देखिए ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट, अंतिम ओवर जो संभल कर खेलना चाहिए श्लोक 11 वड़ौली के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब तक उन्होंने 45 रन बटोरे हैं। ऐसे में जितनी भी गेंदें हो उसके ऊपर कितने रन लेकर वो आते हैं उसके ऊपर इस हार और जीत के बीच का अंतर तय होगा श्लोक 11 वड़ौली के लिए। बिल्कुल, इस वक्त जो शॉट सिलेक्शन था वो काफी खराब रहा, डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात हैं, फिर भी उस खिलाड़ी को पार करने की कोशिश की थी, ताकत की थोड़ी सी कमी जरूर देखने मिली। टेक्निक की अगर बात करें तो टेक्निक लाजवाब थी उनकी, बिल्कुल आउट ऑफ द ऑप्शन जाकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर ताकत की जरूर थोड़ी सी कमी देखने मिली। और साथ ही साथ ये मेरा सौभाग्य है, पहली बार मैं आपके साथ इस मंच पे कॉमेंट्री शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगा सर कि आपके साथ बैठ कर इस मंच पर कॉमेंट्री करने के लिए। ये तो सही बात कही आपने शहजाद सर, लेकिन हम मुरवी के मैदान पर भी एक दूसरे के साथ थे, ऐसे कई किस्से हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बांटे थे। लेकिन फिलहाल वाइट बॉल आता हुआ, ये फुल टॉस गेंद मिड विकेट क्षेत्र पर, कैच होने की संभावना, वेल जज कैच, हालांकि आगे आ चुके थे खिलाड़ी, फिर भी अंतिम क्षणों में एक बेहतरीन कैच को लपका। यूं ही नहीं कहा जाता कैचेस विन द मैचेस, और पकड़ोगे कैच तो बोलो छकास। दिवेश की अगर बात करें तो पहली गेंद आपने देखी वाइड बॉल थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर इन्होंने ताबड़तोड़ विकेट लिया, तो मुंबई की भाषा में यही कहा जाएगा कि झींगा देके रावस लिया है, मैं तो यही कहूंगा। मुंबई की भाषा में जरूर आप कहेंगे कि झींगा देके रावस लिया, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मछली है और दोनों ही मछली लजीज है, चाहे कौन सी भी खाने का मौका क्यों ना मिले, तो जिसने खाया वो खुश, जिसने ना खाया वो नाखुश बल्लेबाज, क्योंकि वो बाउंड्री के लिए गए थे, 6 के लिए गए थे, उन्हें बाउंड्री के नजदीक लपका गया, गेंदबाज को मौका मिला उस मछली को खाने का, गेंदबाज खुश क्योंकि आज वेनसडे है, बुधवार है, अगर देखा जाए तो लजीज खाने का दिन है। और जहीर पटेल ने जो हम कमेंटेटर्स के लिए लजीज खाना लेकर वो आए थे उनके आयोजनकर्ता की कमेटी, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खाने के वक्त खाना अगर मिला तो वो खाना खाने में भी मजा होता है। ये फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल हुए थे, आखिरी ओवर में श्लोक 11 वड़वली के खिलाफ एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गेंदबाज दिवेश पाटिल। ये देखिए लेट कट करने की कोशिश की थी, लेट हुए वहां पर, और ये जरूरी नहीं था। क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूं जो चीज जरूरी नहीं होती वो मत कीजिए। ये देखिए डॉट गेंद के ऊपर 2 रन मिले, सूची अगर 1 गेंद 8 का समीकरण होगा और अगर कहीं 22 के तौर पर ये रन आए, छक्का दागने में कामयाब होते हैं उत्तर शिव के बल्लेबाज, तो ये 2 रन उन्हें याद आएंगे जो डॉट गेंद के ऊपर अपोजिशंस को उन्होंने दिए हैं श्लोक 11 वड़ौली को। बिल्कुल, कुछ कुछ गलतियां होती हैं, वो गलतियों से सीखने मिलता है और ये टीम जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टार ओवर सीएम ट्रॉफी में एक और किताब की ओर बढ़ रही है, 2 ही ओवर में निकेश मात्री ने उस मुकाबले को खत्म किया है, 31 रनों की जरूरत थी, अब मैन ऑफ द सीरीज के एक कंटेंडर बन चुके हैं वो सीएम ट्रॉफी। नक्कीच प्रवीण सर, ज्या प्रमाणे विचार केला 165 संघ आणि 165 संघामधून सीएम ट्रॉफी एक मानाची नामांकित स्पर्धा, आणि स्पर्धेमध्ये
जर मन तुमची स्वच्छ असतील तर एवढं सुंदर आयोजन पाहतो, आणि जर खेळ सुंदर असेल तर तुम्ही सर्वात उत्तम कसे होता याचा जिता जागता उदाहरण म्हणजे स्टार मोबाईल संघानं दाखवून दिलं आहे की 165 संघामधून टॉप 3 पोहोचलेला हा संघ आहे. तर नक्कीच सर्वांना विनंती करेन की चाळ्या होऊ द्या की आपलाच संघ स्टार मोबाईल संघ पोहोचला आहे टॉप 3 CM चषकामध्ये. प्रवीण सर बिल्कुल ठीक है, आपने आपका दिल साफ होना चाहिए, नेक दिल से आप अगर कोई भी काम करने की मन में ठान लो तो आप सफल जरूर होते हैं. और हमेशा एक बात तो मैं जरूर कहता हूँ कि सफलता के मधुर सितारे को अगर आपको छूना है तो आपके प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. और निकेश म्हात्रे का आज दिन भर का खेल जो हमने देखा, कोई प्रयास में उनकी कमी नहीं रही. हर दम हर वक्त वो अपनी टीम और उसकी जीत के बारे में सोचते रहे, उस वजह से स्टार ओवे को आगे जाने का सम्मान मिल रहा है. CM ट्रॉफी 2018 में 48 रन इस वक्त बनाए जा चुके हैं. श्लोक 11 वड़वली 12 की औसत 49 कंपलसरी ये बनाने होंगे उत्तर शिव को अगर इस मैच को जीतना है तो. तो ये किस तरह से आते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे दूसरे सत्र में शहजाद सर. इसी तरह डिस्कशन भी जारी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे इसका मतलब कि मैं उनके साथ नहीं करूंगा, ऐसी बातें होती रहेगी. प्रवीण से रुकाना चाहेंगे, टॉस की तरफ हम रुक करेंगे. यहाँ पर हमारे साथ सलीम सेठ जुड़ चुके हैं जिनकी बदौलत मंसूर सेठ पटेल और सलीम सेठ पटेल उनकी बदौलत हम देख पा रहे हैं. ये पहली मरतबा रायगढ़ में 4-wheeler दी गई. दिल की गहराई से हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे पास अल्फाज का मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए. लेकिन फिलहाल चलेंगे टॉस के लिए. हमारे साथ 2 कप्तान मौजूद है जिन्हें पहला मुकाबला 32 में 16 गेंदों में जीतने वाले अर्जुन परदेसी की चिंस वाला टीम है और हमारा अल्ताफ की हाल टीम है और 4 ओवर का मुकाबला रहेगा. तो रुक करेंगे हम टॉस की तरफ. तो टॉस के लिए पहले यहां पर फिर याद करेंगे. यस हु इज कॉलिंग? टॉस इज गोइंग ऑन, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉस. यस चिंसवाड़ा टीम कॉल टू टेल. तो चिंसवाड़ा टीम ने टॉस जीता है. अर्जुन प्रदेश से पहले मरतबा आपका स्वागत है. पहला मुकाबला आपने बिल्कुल अच्छे से जीता. कोई लाइन चेंजअप कोई होगा टीम में, कोई बर्ताव होगा यहाँ पर? सेम टीम. तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? पहले तो हमने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया, क्या यही फैसला आपका बरकरार रहेगा? फील्डिंग. अर्जुन अब हमेशा हमने आपका खेल पिछले 5 से देखा है, जब भी आप टॉस जीते तो फील्ड करने का फैसला करते, क्या आप गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं या फिर बल्लेबाजों के ऊपर? क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या ताकत है आपकी, बल्लेबाजी या गेंदबाजी? बल्लेबाजी. क्या बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट. अल्ताफ सर आपको यहाँ पर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्या आपको लगता है कि टॉस हारा है आपने सब कुछ हारा है? बिल्कुल नहीं. अल्ताफ भाई यदि आप टॉस जीते तो पहले क्या फैसला करते? फील्डिंग करते हम. तो अभी आपकी रणनीति तो पूरी तरह से चेंज होगी, क्या आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल तैयार है. जिस प्रकार का खेल रहा अल्ताफ जिस प्रकार, तो टॉस की तरफ हम रुख करेंगे. ऑल द बेस्ट मुकाबले के हम भरेंगे. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच सर. चलते हैं, दूसरे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और बिल्कुल मेरे साथ प्रवीण सर मौजूद है. इस मैच का आंखों देखा हाल हम जरूर इनकी जबानी भी सुनेंगे, मेरा साथ जरूर देंगे इस मैच के लिए. बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. हमारा पूरा लक्ष्य गेंदबाजी का इस वक्त जिम्मा संभाला है गेंदबाज कमलेश पाटिल, एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर. पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में. खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाह में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता रनों के लिए दौड़ लगी और 2 के साथ यहां पर बल्लेबाजों ने श्री गणेशा अपनी टीम के लिए जरूर किया है. इस 2 के साथ शुरुआत की है. जीत के लिए लक्ष्य 49 का टारगेट का पीछा करना है. प्रवीण सर मैं तो यही कहूंगा कि हर ओवर में इन्हें प्रहार करना होगा, हर ओवर में इनके ऊपर हर गेंदबाज पर इन्हें अटैक करना होगा, जब जाकर ये लक्ष्य को पार किया जा सकता है. इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास था, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद फील्ड की जाती लेकिन यहाँ पर 2 चुराने में सक्षम और कामयाब रहे. जिस तरीके से यहाँ पर निगाहों ही निगाहों में, इशारों ही इशारों में एक दूसरे को कॉल देकर रन पूरा किया, काबिले तारीफ रही ये रनिंग बिटवीन द विकेट. आजकल की हमारी यंग जनरेशन यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उनके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे. इस बीच ये गेंद, इस बार ये काफ़ी तेज तर्रार गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद, इसे कैंसर डिलीवरी कहा जाता है. अगर आपने इसका इलाज सही वक्त पे नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म. उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला है. यंग जनरेशन की अम्मा जिस तरीके से प्रवीण सर बात कर रहे थे, आजकल इंटरनेट से ही फुर्सत नहीं मिलती है. आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ग्राउंड पर आना बहुत भूल गई है और उस वजह से यहाँ पर आज हम देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं है.
लेकिन आज ये स्टेज, ये परफॉर्मेंस करने का मौका, दमदार आमदार चषक 2018, ये बेहतरीन क्रिकेट की मेज़बानी, बिल्कुल इंटरनेट ने हमें फ़ायदा भी दिया है और इंटरनेट ने हमें बिगाड़ा भी है। आजकल पबजी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर कोई उसमें ही परेशान है, चाइना ने पूरी तरीके से हमारे पर काबू कर लिया, यही कहा जाएगा। ठीक है, आपने पिछला 2-3 साल पहले हम देखे लोग पोकेमॉन को ढूंढते रहे और आज पबजी में नज़र आ रहे हैं। गेम्स मोबाइल के ज़रिए कड़कती धूप में क्रिकेट खेलने के बजाय सोचते हैं कई लोग या कई युवा कि क्यों ना छांव में बैठ के आराम से पबजी या कुछ और पोकेमॉन खेला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर को मेहनत की आदत होनी चाहिए और मेहनत आप जितनी करोगे उतना फल मीठा मिलेगा आपको, क्योंकि बगैर मेहनत किए कोई चीज़ मिले तो चीज़ का महत्व नहीं होता। बिल्कुल सीधी बात है। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये एक और गेंद ब्लॉकल में डालने की कोशिश जारी थी, लेकिन अभाग्यशाली रहे कि आउट ऑफ द ऑफ स्टंप और वाइड के बीच में ये गेंद डाली गई ब्लॉक हॉल के क्षेत्र में, और बिल्कुल एक सफल ओवर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाते हुए कमलेश पाटिल। कमलेश पाटिल की अगर बात करें तो अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन टप्पा और खासकर स्पेशली यॉर्कर गेंद के ये गेंदबाज दिख रहे हैं मुझे, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद, ओह इस बार बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में, थर्डमैन पर खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन एक रन आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवीण सर हमने देखा 15 ओवर के बाद ड्रिंक्स जाते हैं, इसका रीज़न, इसकी वजह, टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं 2 ओवर में या फिर 3 ओवर में हमारे बल्लेबाज थक जाते हैं, इसकी वजह ये है कि आजकल जो विभिन्न तरह के चमनप्राश निकले हैं उन चमनप्राश का अगर सेवन ना करें तो आपकी फिटनेस पर काफ़ी असर पड़ता है। 15 ओवर के बाद ड्रिंक स्टॉल, है आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हम अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या युवराज सिंह की उम्मीद इस टेनिस बॉल क्रिकेट से कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी आगे आकर उभर कर वो खेले, तो वो स्टैमिना का होना भी ज़रूरी है। 2-3 ओवर के बाद हम देख रहे हैं कि पानी की बोतल लेकर हम अंदर जाते हैं कड़कती धूप में उतना ज़्यादा, और ये क्यों होता है शहजाद सर? वनडे में 2 दिन का विश्राम होता है, एक वनडे अगर हो तो 2-3 दिन का विश्राम ज़रूर होता है। ये टेनिस बॉल के खिलाड़ी ये अनुमन वैसा ही खेलते हैं जो इंटरनेशनल के खिलाड़ी खेलते हैं, ये एक जगह 5 ओवर यहाँ खेलेंगे 10 ओवर, तो दूसरी जगह और प्रतियोगिता में 10 ओवर खेलेंगे, उसके बीच की ट्रैवलिंग, उस ऊपर से सूरज की तेज़ किरणें, उस वजह से मैं तो ये कहूँगा स्टैमिना रहने के लिए जो ड्रिंक स्टॉली जाती है वो बिल्कुल एक ढंग से सही भी है, और स्टैमिना कितना है ये जांचने के लिए 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स देना, ये बात भी सही है। बिल्कुल, आजकल की यंग जनरेशन है और लगभग हमारे इंडिया की अगर बात करें तो 70-75% आजकल युवा है, और युवा ही आजकल यहाँ पर हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस करते हुए। बिल्कुल, तो दोस्तों आप देख रहे हैं आन बान शान की ट्रॉफी, दमदार चषक आमदार चषक 2018, स्टार क्रिकेट क्लब ओए की तरफ से इस टूर्नामेंट को रखा गया है, जिस टूर्नामेंट की चर्चे आज से शुरू हुए हैं, और बिल्कुल इस वक्त हम देख सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज के लिए कार कौन होगा, इसका हकदार, इसकी चर्चा अंतिम और आखिरी दिन जरूर हम करते हुए नजर आएंगे। चलिए फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करेंगे, गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है इस वक्त गेंदबाज विशाल पाटिल ने। इस बीच विशाल की ये पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, जूसी फुल टॉस थी, सही तरीके से वापर यहां पर नहीं कर पाए, गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील करके थ्रो किया जाता, रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए क्या लाजवाब रही, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आंखों से सुरमा चुराना, उस तरीके से यहां पर 2 रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज जरूर नजर आते हुए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन, हम आयोजन और नियोजन को कैसे भूल सकते हैं, क्या बात है, जितनी बड़ी टूर्नामेंट उतना बड़ा नाम और उतना बड़ा काम इस वक्त ग्राउंड के बीच में देखने जरूर मिल रहा है। इस बीच ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, डिसाइडेड स्ट्रोक, हम अक्सर कहते हैं कि डिसाइडेड स्ट्रोक बल्लेबाज को महंगे पड़ते हैं, अगर आप पहले से मन बना ले कि मैं मिड विकेट के क्षेत्र में खेलूंगा या फिर मैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलूंगा, ये डिसाइडेड स्ट्रोक अक्सर गेंद डॉट करवा दे ही देते हैं, उसी तरीके का दृश्य इस वक्त जरूर देखने मिला। डिसाइडेड स्ट्रोक करने का प्रयास किया, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, प्रहार करने की कोशिश, प्रहार में कामयाब रहे, गेंद डीप काउ कॉर्नर के बाहर, 4 रनों के लिए फरार, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था, टाइमिंग प्लेसमेंट ताकत ये तीनों का मिश्रण दिखा और गेंद पे मोहर लगी, 4 रन। क्या कहना चाहेंगे प्रवीण सर, इस 4 रन के साथ क्या कुछ फायदा हुआ, टीम को फायदा तो हुआ है रनों का, लेकिन
जिस मुकाम तक के पहुंचना है उसके लिए बड़े स्ट्रोक और लगेंगे, क्या ये टीम पहुंच पाएगी उस लक्ष्य तक? ये तो क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बिल्कुल गलत बात होती है, लेकिन ये चौवा उम्मीद का दिया जरूर बन सकता है इस टीम के लिए, क्योंकि उम्मीद पे तो शहजाद सर दुनिया कायम है। आने वाली जो गेंदें बची है हमने देखा, और ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश में, देखिए एक और खिलाड़ी का पतन हो चुका है। 15 गेंदें और 36 रनों की ज़रूरत थी, वहाँ पर एक विकेट मिलता हुआ नजर आया श्लोक बड़वली के गेंदबाज को, और अब 14 गेंदें 36 रनों की ज़रूरत। क्रिकेट में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो मुश्किल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्रिकेट में कोई चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती, और नामुमकिन को मुमकिन बनाना आना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सर सहमत हूँ। यहाँ पर क्रिकेट की अगर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में दूसरा धर्म क्रिकेट को ही माना जाता है, और बिल्कुल क्रिकेट की गॉड की अगर बात करें तो हम सचिन, रमेश तेंदुलकर सर, इनको कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है, और क्रिकेटर के साथ साथ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो शख्सियत भी बहुत बढ़िया है। आज तलक के कभी उन्होंने सवाल नहीं किया अंपायर से, आज तलक के कभी उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया विकेटों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ बोला है तो उनका बल्ला बोला है। इस बीच बल्लेबाज का बल्ला बोलता हुआ गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन है। इस तरीके के स्लो पॉइजन का काम करते हुए दोनों ही बल्लेबाज है, ये हवाई यात्रा नहीं करा रहे गेंद को। इन्हें पता है अगर दिल्ली जाना है तो दो रास्ते हैं, एक या तो फ्लाइट से जाइए या तो ट्रेन से। ये ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीनी रास्ता तय कर रहे हैं, और यहाँ तक के मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी दिल्ली दूर है। ज़मीन के रास्ते से ये जाने की कोशिश कर ले, लेकिन उनकी कोशिश जारी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हथियार डाले हैं, और बगैर अगर हथियार डाले रहते तो ऐसे स्कोरिंग शॉट आते नहीं। लगातार देखिए बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज आती हुई नजर आ रही है, ये शॉट थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अंतिम दो ओवर में जो प्रेशर चाहिए था अपोजिशंस के ऊपर, श्लोक 11 गेंद वड़ौली के गेंदबाजों के ऊपर, इस ओवर ने ये जो बाउंड्री लेकर आई ये दोनों ही बल्लेबाज, उस वजह से वो प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि प्रति ओवर 14 रन 28 12 गेंदों में ये बन सकते हैं, इसी तरह बाउंड्री आएगी तो भी। बिल्कुल इस तरीके की अगर बल्लेबाजी कंटिन्यू रही तो बिल्कुल इस तरीके के लक्ष्य को आसानी के साथ पार करने की कोशिश में कामयाबी बल्लेबाजों को जरूर मिल सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टार क्रिकेट क्लब ओए प्रेजेंटिंग आमदार चषक 2018, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रतियोगिता में। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट घर बैठे देख रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के लिए कार यहां पर रखी गई है, ये सुनहरी संधि है, और इस सीजन में सबसे बड़ी प्रतियोगिता अगर कही जाए तो बिल्कुल स्टार क्रिकेट क्लब ओए की तरफ से आयोजित दमदार आमदार चषक 2018। बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के लिए कौन होगा दावेदार, कौन बनेगा दावेदार इस कार का, किसे मिलेगी कार की चाबी, ये देखने वाली बात जरूरी रहेगी। चलिए विकटों के बीच में चर्चा नहीं करना है, चर्चा करने में समय खर्चा होता है, इसलिए समय के मामले में हमें भी सहयोग करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में और भी मैचेस हैं और भी मुकाबले हैं, तो आप लोगों का साथ आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आन बान शान की ट्रॉफी आज के दिन से हुआ आगाज, इस प्रतियोगिता का आज के दिन से हुई है शुरुआत आमदार चषक 2018 की, और पहली इतनी बड़ी इनामी राशि 1.5 लाख रुपए रोक रकम और मैन ऑफ द सीरीज के लिए कार, इस सीजन में सबसे बड़ा टूर्नामेंट अगर माना जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल दमदार आमदार चषक 2018, क्या बेहतरीन मेजबानी, क्रिकेट की सुनहरी संधि, क्रिकेटरों के लिए ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही माना जाएगा आमदार चषक 2018। इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा देखिए किस गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी है, ऋतिक पाटिल इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए जीत के लिए 12 गेंदे 28 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है बल्लेबाज सचिन। सचिन और अरुण इस तरीके की जोड़ी विकटों के बीच में नजर आती हुई, हट्टे कट्टे शरीर के बल्लेबाज अरुण इस वक्त सामना करने के लिए सज्ज होते हुए। इस बीच ये गेंद ऋतिक की, ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, कंट्रोल जो नियंत्रण होता है ना उसे खोते हुए नजर आए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कर बैठे, अंपायर ने अपने हाथों को फहराया, इस गेंद को वाइड घोषित किया, वाइड की मदद से अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ अब मैच का इक्वेशन और सिचुएशन 12 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। ये मैच अंतिम और आखिरी गेंद तक के जाएगा, ये आस और उम्मीद हम जरूर लगा सकते हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास फिर से एक बार चूकते हुए नजर आए, बैट और बॉल किया बिल्कुल संपर्क नहीं, बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद डॉट के रूप में रही।
इस वक्त गेंदें डॉट करना अपनी टीम को बैकफुट पर लाकर खड़े करने जैसा होगा बैटिंग यूनिट टीम को। अगर इस लक्ष्य को पार करना है तो हर ओवर में इस वक्त गेंद को हवाई यात्रा जरूरी कराना। इस बीच ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, सम्मानजनक स्ट्रोक खेला, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, गेंद को दिशा देने की कोशिश की और दिशा के साथ साथ यहां पर एक रन लेने में सक्षम और कामयाब रहे बल्लेबाज। मैच आहिस्ते आहिस्ते इस वक्त मैं तो यही कहूंगा कि जनरल वार्ड से निकलकर आईसीयू में परिवर्तित होता हुआ, क्योंकि रनों की रन संख्या देखिए काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त अगर प्रहार नहीं करेंगे तो बाद में विचार कर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इतने भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं हुई है, प्रति ओवर 14 के औसत से 28, इस ओवर में 12 रन भी आते हैं तो 16-6 का समीकरण आसानी के साथ बना सकती है उत्तर शिव। और ये देखिए ये इनर एज लगा, हालांकि फील्डिंग अच्छी हुई है, विकेट के पीछे एक रन तो ज़रूर मिला और इस एक रन से टोटल अगर हम देखें, लेकिन जितने ज़्यादा सिंगल्स और जितनी ज़्यादा गेंदें डॉट डालेंगे गेंदबाज उतना ज़्यादा अंतिम ओवर में प्रेशर गेंदबाजी के ऊपर कम और बल्लेबाजी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, इस वक्त अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अब बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी, तब जाकर ये मैच का दृश्य कुछ और देखने मिलेगा। इस बीच ये गेंद इस बार बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद जाती हुई एक टप्पा खाने के बाद कीपर के दास्तानों में, गेंद डॉट रही, डॉट डिलीवरी इस वक्त जहर का काम करेगी बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपने प्रहार करने की नहीं कोशिश की तो फिर यही कहा जाएगा कि देर हो गई आते आते, क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज हावी हो रहे हैं ऋतिक पाटिल। इसी बीच ये गेंद इस बार बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद, नजदीकी मामला और देखिए रनआउट के रूप में, ये दबाव था, ये प्रेशर था, उस प्रेशर में ये विकेट गिरता हुआ और उस प्रेशर से निकलने के लिए अब कितना समय लेगी ये टीम, ये देखने वाली बात जरूरी। अब मैच का सिचुएशन देख सकते हैं, गेंदें बची हैं इस वक्त 7 और जीत के लिए 25 रनों की ज़रूरत है, 25 रन बनाने ज़रूरी इस मैच को जीतने के लिए। हमने बहुत सी मैचेस किए हैं, हमने 36 रन भी होते हुए देखे हैं, अब देखने वाली बात यह है कि 7 गेंदों में 25 रन होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है, जिस तरीके से हर कोई कहता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, अंतिम और आखिरी ओवर तक के कुछ भी, अंतिम और आखिरी गेंद तक के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से राजनीति में कब नेता कौन से किस में पक्ष में चला जाए वो नहीं कहा जा सकता, उसी तरीके से क्रिकेट में अंतिम और आखिरी गेंद पर क्या हो और क्या ना हो वो भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए चलते हैं फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ, रुक करेंगे, 7 गेंदे 25 रन, मैच का सिचुएशन इस प्रकार का इस वक्त आता हुआ, बैटिंग टीम का एक विकेट जरूर गिरा है दबाव में प्रेशर में, लेकिन ऋतिक पाटिल की अगर बात करें तो लाजवाब गेंदबाजी उनके माध्यम से। इस बार ऋतिक की ये गेंद इस वक्त उन्होंने वाइड गेंद जरूर की है, यहां पर कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट बल्लेबाजों के रेंज में गेंद आ गई तो ये एक्सपेरिमेंट भारी पड़ सकता है। बिल्कुल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप के क्षेत्र में ही गेंद को रखना चाह रहे हैं, ये उनकी मुहिम है, ये उनकी कोशिश है। लेग साइड की व्यू रचना अगर देखी जाए तो देख सकते हैं लेग साइड की व्यू रचना को किस तरीके से गेंदबाज ऋतिक पाटिल ने सजाया है, एक डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है, एक डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, एक काउ कॉर्नर, इस तरीके से लेग साइड की डीप में फील्डिंग को सजाया गया है। इसी बीच ये गेंद इस वक्त आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। कमलेश जो कि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, एक रन, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। अब बची हुई 6 गेंदें शेष हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए 23 रनों की ज़रूरत है। 23 रन 6 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं, ये टेंशन से भरा हुआ मुकाबला मैं तो कहूँगा। टेंशन से भरा हुआ मुकाबला जरूर है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि श्लोक 11 वडवली के पास ये मुकाबला चांसेस उनके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 गेंदें उन्हें मैच अच्छी डालनी है, लेकिन यहाँ पर अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम के विकेटों के बारे में अगर हम देखें, 3 विकेटें जा चुकी है और जिस तरह से मध्यक्रम खेला था श्लोक 11 वडवली का, उस तरह अगर उत्तर शिव का मध्यक्रम खेलता है तो इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है उत्तर शिव की तरफ से। लेकिन जिस तरह अंतिम ओवर पहले मुकाबले में डाला था इस श्लोक 11 वडवली के गेंदबाजों ने, उस तरह अगर डालते हैं, कुछ कर दिखाते हैं, जो पहला मुकाबला जीता था वडवली ने, अगर वैसा होता है तो ये मुकाबला मैं कहूंगा पक्ष में जा सकता है श्लोक 11 वडवली के।
बिल्कुल, जिस तरीके से पहले स्तर की शुरुआत हुई थी, पहली इनिंग की अगर हम बात करें तो उस वक्त 24 रन का जो ओवर मनोज पवार ने किया था वो काफ़ी महंगा ओवर रहा था। वही सिचुएशन, वही टेंशन इस वक्त दबाव बनाता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, वही 24 रन इस वक्त भारी पड़ते हुए वो ओवर के, क्योंकि जीत के लिए 6 गेंदें 23 रन अंतिम और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज सज्जे होते हुए। पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टम्प, ऑफ साइड के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और यहाँ पर भाग्यशाली रहे कि थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, नहीं तो 5 रनों का ये तोहफा तय था, फिक्स था। लेकिन चलिए, यहाँ पर 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं। अब स्कोर जीत के लिए 6 गेंदें 22 रन। इस बार स्पिन गेंदबाजी जरूर देखने मिली, फ्लाइटेड गेंद, अनिल कुंबले की यादें ताज़ा यहां पर होती हुई, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग ब्रेक होती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद। आईपीएल की जरूर हम बात करेंगे इस गेंद के बाद। इस बीच ये गेंद फुल टॉस डिलीवरी, करारा प्रहार करने की कोशिश, कामयाबी बल्लेबाज के हिस्से आती हुई और गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। बिल्कुल, आईपीएल ने हमें क्या दिया, आईपीएल ने कलर्स दिए, आईपीएल ने एंटरटेनमेंट दिया, आईपीएल ने प्लेयर्स को पैसे दिए और आईपीएल ने इस टेनिस क्रिकेट को एक अलग सा लुक दिया, मैं तो यही कहूँगा। और आईपीएल वाकई में, आईपीएल ने बहुत कुछ सिखाया है, ग्लैमर दिया है, एंटरटेनमेंट दिया है। और इस आमदार चषक की बात करें तो बिल्कुल इस आमदार चषक को एक अलग पहचान ये टेनिस क्रिकेट के माध्यम से ज़रूर मिलती हुई। इस बार ये बड़ा स्ट्रोक करने की चाहत, जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा। देखिए विकेट का पतंग हुआ है प्रवीण सर, विकेट जरूर गिरा है। अब 3 गेंदें और 16 रन, इस वक्त में विकेट गिरना यानी अपनी टीम के लिए बिल्कुल इस वक्त ओला बुक करने जैसा होगा, क्योंकि अगर आप खड़े रहते, आप में क्षमता थी, आप में क्वालिटी थी, आप में वैरायटी थी, इसलिए आपको बल्लेबाजी पर भेजा गया था। आपने एक बड़ा हिट भी लगाया, उसके बाद यहाँ पर एक आसान सा कैच देकर आप पवेलियन की राह लौट चुके हैं। यानी अब नए बल्लेबाज आएंगे, इन्हें सेट होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन सेट होने के लिए टाइम नहीं है, बची हैं मात्र 3 गेंदें और जीत के लिए 16 रनों की ज़रूरत है। 3 गेंदें 16 रन, ये गेंद फैसला करेगी कि मैच की दशा और दिशा क्या होगी, क्या यहाँ पर फील्डिंग यूनिट टीम पकड़ बनाएगी या फिर बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी से यहाँ पर लोहा मनवाएंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें ने अब तक के हार नहीं मानी है, हथियार नहीं डाले हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करने की चाहत, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद रही हवा में लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई, 2 रनों की दौड़ यहाँ पर पूरी की दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 रन से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता हुआ। और यहाँ देखिए काफ़ी वाइड थ्रो, ये वाइड थ्रो, 3 रन दौड़ कर पूरे किए। अब मैच का सिचुएशन देखिए, बची हुई 2 गेंदें शेष हैं और 2 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। अब यहां पर दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। बिल्कुल इस वक्त दुआ ही काम आएगी बल्लेबाजों के लिए, क्या कुछ कारनामा हो जाए या कुछ चमत्कार हो जाए तब जाकर यह टीम वापसी कर सकती है, नहीं तो फिर यहां पर 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट भी लगे तो भी इस प्रतियोगिता से बाहर की तरफ, चेजिंग कंपल्सरी है, ये चीज़ ध्यान में रखें बैटिंग यूनिट टीम। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, आकाश पाटिल, आकाश पाटिल सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन। अब मैच में मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त औपचारिकता ही बाकी रह गई है, 1 गेंद आना शेष है, 1 गेंद आना बाकी है और इस गेंद पर सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता। यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा के रूप में रन आते हैं तो शायद बात बनेगी, नहीं तो फिर यहाँ पर 99.9% पकड़ बनाती हुई फील्डिंग यूनिट टीम। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में फील्डिंग यूनिट टीम ने। हेलो हेलो वडोली बी तर नक्कीच या मंचावरती मात्र स्टार होय क्रिकेट क्लब आयोजित या श्रृंखलेमध्ये आज एक दुग्धशर्कर योग पाहतोय की श्रीराम क्रिकेट क्लब रांजमपाडा नगर सेविका चषकाचा कॉन्ग्रॅच्युलेशन इथे शोकीला उडवण देतील। तर मी विनंती करतोय की श्रीराम क्रिकेट क्लब रांजमपाडा याचा लाईव्ह लॉर्ड्स इथे पाडण्यात येत आहेत। तर आमचे आदरणीय जहीर पटेल साहेब यांच्या शुभ हस्ते 24 तारखेचा लॉर्ड्स इथे ओपन करण्यात येतोय। तर पहिली चिठ्ठी निघते ती म्हणजेच चिंचपाडा, सॉरी पापडीचा पाडा,
बनाम कोपरा हा पहिला सामना होईल 24 तारखेचा, दुसरा सामना होईल 24 तारखेचे हे लॉर्ड्स उघडण्यात येत आहेत. बघायचे श्रीराम क्रिकेट क्लब भंगारपाडा आयोजित नगर सेविका चषक, तलोजा मजकूर बनाम करवले बी या दोन संघादरम्यान दुसरा सामना होईल 24 तारखेला 24/12/2018. तीसरा सामना किरवली बनाम नाम ओवे या दोन संघादरम्यान होईल. चौथा सामना होईल 24 तारखेचा, आदई बनाम बेलपाडा असा 24 तारखेचा पहिला हा लॉर्ड्स होतोय. 24 तारखे लॉर्ड्स वाचून दाखवतोय. पापडीचा पाडा बनाम कोपरे पहिला सामना, दुसरा सामना तलोजे मजकूर बनाम करवले बी, तिसरा सामना किरवली बनाम